ओके जगदीश, लेट्स प्रोसीड अहेड विद योर एचआर फॉर पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बी इन एनपीसीएल ककड़ापार, राइट? यस सर। ओके, आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। ओके सर, गुड इवनिंग सर। सर माई सेल्फ जगदीश शर्मा फ्रॉम मथुरा उत्तर प्रदेश एंड आई हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पीएमबी पॉलिटेक्निक मथुरा इन 2018। सर आफ्टर डिप्लोमा आई गॉट प्लेसमेंट इन लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड एंड आई वर्क विद लार्सन एंड टुब्रो फ्रॉम जून 2018 टू अप्रैल 2020। ड्यू टू सर कोरोना एंड लार्सन एंड टुब्रो से मैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय था सर। उसके बाद सर मैंने इंडियन ऑयल से सर अप्रेंटिस किया। अप्रेंटिस करने के बाद सर अभी प्रेजेंट में सर मैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कार्य कर रहा हूँ सर। कब से काम कर रहे हैं पीजीसी में? सर पावर ग्रिड में मैं सर जुलाई 2022 से कर रहा हूँ सर। तो क्या प्रोफाइल है आपका वहां पे? सर यहाँ पे सर फील्ड सुपरवाइजर क्या क्या काम करते हैं वहां पे? सर यहाँ पे ट्रांसमिशन का काम है सर। 765 kV ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है सर। तो 2 साल, कितना टाइम से आप? 2 साल हो गए आपको वहां पे भी? नहीं, 1.5 साल हो गया। यहाँ ये सर 1.5 ईयर सर। तो क्या 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 रहा है 1.5 ईयर्स में आपका जॉब एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स वगैरह? सर यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने सर फाउंडेशन कार्य किया सर। सर मेनली 4 टाइप के टावर हैं सर, ए बी सी डी। अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ डेविएशन सर 0 से 2 डिग्री सर टावर ए टाइप एंड 2 से 15 डिग्री सर टावर बी टाइप एंड 15 से 30 डिग्री सी एंड अबव 30 डिग्री सर टाइप डी डी टाइप टावर होता है सर। उसमें सर आपका फाउंडेशन सर इरेक्शन एक्टिविटी होती है सर। इरेक्शन एक्टिविटी में सर हमको सेफ्टी वगैरह सब देखना होता है। उसके बाद सर मेन काम है सर इलेक्ट्रिकल का स्ट्रिंगिंग वर्क सर। स्ट्रिंगिंग में सर सैग देखना होता है सर, इंसुलेटर और सर कौन सा इंसुलेटर कहाँ लगेगा सर, टेंशन सस्पेंशन ये सब देखना होता है सर। सेफ्टी भी देखनी है, क्वालिटी भी सर। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? सर 2 ईयर का सर। और उसके बाद? उसके बाद सर एक्सटेंड भी होता है का अकॉर्डिंग टू वर्क सर। आईओसी अप्रेंटिसशिप में क्या सीखा था आपने? किस डोमेन में काम किया था? सर वहाँ पे सर इंडियन ऑयल में सर मैं पाइपलाइन डिवीजन से अप्रेंटिस किया था सर। वहाँ पे मेनली वर्क ये था, हमारे यहाँ सर 3 फेज स्क्वायर के इंडक्शन मोटर लगी हुई थी। हम लोग सर जो रिफाइनरी डिवीजन से जो सर जो ऑयल जो रिफाइन होकर आता था सर उसको हम पंप करते थे अदर स्टेशन के लिए। तो वहाँ पे सर मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कार्य था मेंटेनेंस ऑफ मोटर्स एंड सर उसका टेस्टिंग सर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग या फिर सर अर्थ पेट का रेजिस्टेंस टेस्टिंग और सर उसका मंथली मेंटेनेंस सर, रूटीन मेंटेनेंस ये सब देखते थे सर। अच्छा, आप जानते हैं रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? जी सर। रिएक्टिव मेंटेनेंस नाम सुना है आपने? मेंटेनेंस का एक टाइप होता है ये, प्रिवेंटिव तो सर हम मेंटेनेंस, रिएक्टिव मेंटेनेंस, कैटेगरीज हैं मेंटेनेंस की, सुनिए आपने? सर हम लोग ये नहीं किया सर एक्टिव मेंटेनेंस। अच्छा, आपने एलएनटी में भी 2 साल काम किया, यस सर। वो तो आपकी फुल टाइम जॉब थी। यस सर। ओके, तो पावर उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन सीखा? सेक्टर में सर। सर हाँ जी, उसमें वहाँ पे क्या सर सीखा हम आपने? पावर डिस्ट्रीब्यूशन में थे सर। तो मेनली काम था हमारा जो सर अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज है जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है सर, वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है। तो सर सबसे पहले हम सर्वे करते थे सर। तो सर्वे करते थे सर डिटेल सर्वे, जैसे कितना पोल रिक्वायरमेंट है सर, या सर कितना घर है, कितने लोगों का कनेक्शन है सर, कितना केवीए लोड आएगा उसके हिसाब से सर हम कितना ट्रांसफार्मर प्रपोज कर सकते हैं सर, 20 kVA और 60 kVA का सर। उस हिसाब से सर हम सर्वे करने के बाद हम सर इंस्टॉलेशन करते थे, पोल इरेक्शन, उसके बाद ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन ये सब काम था सर। तो आप इस प्रोजेक्ट का नाम बता सकते हैं? ये जो इन एक्सेसिबल एरियाज पे जो जी लाइटिंग सर। पहुंचानी है, इसको क्या नाम दिया था उन्होंने? सर वो सर सौभाग्य प्रोजेक्ट था सर। तो अभी चल रहा है, बंद हो गया? सर हो गया था सर, कंप्लीट हो गया था सर। अभी सौभाग्य फेज 2 चल रहा है सर। तो कितने गांव ऐसे हैं इंडिया में जिन अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है? सर ये तो सर आइडिया नहीं है सर इंडिया में। अच्छा, तो ये क्यों छोड़ दिया? एलएनटी तो अच्छी जॉब है। सर वहाँ पे भी सर कांटेक्ट था सर,
ड्यू टू कोरोना सर क्राइसिस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया सर, तो एक्सटेंड नहीं हुआ सर। अच्छा जगदीश, आपने एलएनटी में जॉब किया, आईओसीएल में अप्रेंटिसशिप किया, पावर ग्रिड में आप अभी कर रहे हैं, जी सर, तो इन तीनों की जो लर्निंग है इसका कहाँ पे बेनिफिट होगा आपको एनपीसीएल में एज साइंटिफिक असिस्टेंट? सर सर पहला बेनिफिट तो ये सर, एलएनटी में मैं सर एक एज अ ब्लॉक इंचार्ज काम किया था सर, तो मैं वहाँ पे लीडरशिप का काम करता था सर। मैं सर पीटीपी तैयार करता था कि कल का क्या प्लान होगा सर, और सर हम डीपीआर भी बनाते थे सर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। और सर हमारे अंडर सर दो सुपरवाइजर कार्य करते थे सर, तो उनको कल क्या काम कराना है, हमको क्या एग्जीक्यूटिंग करना है सर, शट डाउन लेना सर, लोटो फॉलो करते थे सर हम, लॉग आउट टैग आउट ये सब काम सर हम डेली करते थे सर। ओके, मतलब लोगों से काम करवा लेते थे। यस सर, अच्छा कुछ जानते हैं वैसे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में? यस सर। सर पकड़ा न्यूक्लियर पार तो पावर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कितने कैपेसिटी का है ये? सर, काकरा पार का कैपेसिटी नो आइडिया सर इसके बारे में, आपने वेबसाइट देखा है वैसे हमारा काकरा पार का? अभी नहीं देखा सर। कौन सीएमडी वगैरह है, कुछ आइडिया है? यस सर, सीएमडी है सर अभी भुवन पाठक, ये पाठक कहाँ से करके हैं पता सर। लगा? यस सर, ऐसे अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था मैं सर। अच्छा तो क्या बैकग्राउंड है उनका, कुछ आइडिया है? अच्छा नहीं सर, नो आइडिया सर। जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट वैसे कितने तरह के होते हैं, इंडिया में कौन सी तरह के हैं? सर न्यूक्लियर पावर प्लांट सर भारत में सर टोटल 7 प्लांट है सर, और सर रिएक्टर के अकॉर्डिंग सर 2 तरह के रिएक्टर हो सर, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर एंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर सर, उसी के अकॉर्डिंग है सर। हैवी वाटर का फॉर्मूला पता है? यस सर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड सर, D2O। क्या खास बात है, हैवी वाटर क्यों यूज किया जाता है? सर हैवी वाटर सर, अगर नॉर्मल वाटर यूज करें तो क्या प्रॉब्लम आएगा, हैवी वाटर ही क्यों यूज करते हैं? और इसको प्रेशराइज्ड क्यों बोलते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर? सर क्योंकि सर हम हैवी हाई प्रेशर पे सर उसको हीट करते हैं सर वाटर को, और सर उसको मतलब बॉयल होने से पहले उस हीट को हम बिना बॉयल किए सर उससे एनर्जी जनरेट करते हैं सर। जो लो प्रेशर वाटर है सर उससे हीट एक्सचेंज करते हैं, लो प्रेशर वाटर सर स्टीम में कन्वर्ट होता है और वो सर टरबाइन को ड्राइव करता है। ओके, ये बताइए आप ककरा पार जो है ये कहाँ पे से, कुछ आइडिया है आपको? ये सर गुजरात में सर, सूरत के पास में सर। आप कहाँ से हैं? मैं सर यूपी से सर, मथुरा से उत्तर प्रदेश में कौन सा है एनपीसीएल का पावर प्लांट? सर, नरोरा पावर प्लांट कितना दूर है आपके घर से? सर, मेरे घर से 150 किलोमीटर के आसपास होगा सर। तो आपने नरोरा के लिए ट्राई नहीं किया? ट्राई किया था सर, मेरा वेटिंग चला गया सर, पिछली बार मेरा इंटरव्यू हुआ था वहाँ भी सर, सेकंड वेटिंग है सर मेरा। वहां पे यस सर, कुछ कमियां रह गई सर इंटरव्यू में, तो किसी ने सजेस्ट किया सर कि आप योरपीडिया पे थोड़ा ट्राई कर लीजिए, इसीलिए सर मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया, रिजल्ट आते। नहीं, लेकिन अगर आपका नरोरा में हो जाता है फिर। सर मैं नरोरा ज्वाइन करूंगा सर। चलिए जगदीश, ये आपने ये आंसर नहीं करना वहां पे, अब मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ अभी, ठीक है? ये तो आपका इंटरव्यू ओके चल सर, रहा था, आपका यूरोपीडिया पे वैसे थोड़ी चल रहा था, तो इंटरव्यू चल रहा था, मैं तो ककरा ओके पार सर, बन के आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ओके सर, आपने सॉरी नरोरा का सर। नहीं, आपने बोला नरोरा का मैं गया सर, लेकिन यस मेरा सर, वहां पे वेटिंग हुआ था। फिर अगर पूछेगा नरोरा हो गया तो क्या करेंगे, अब बोले सर अभी नरोरा को होने के चांस नहीं है, पहले ककरा पार ही होगा मेरा। और अच्छा ककरा सर, पार हो गया तो फिर नरोरा जैसा नरोरा वैसे ककरा पार है मेरे लिए, तो एक ही है सर। आप अपने घर में नहीं करना चाहेंगे काम? बोला नहीं सर, मेरे को जहां पे मिलेगा मैं कर लूंगा। तो वो ओके ये सर, चीज जरूर पूछ रहा, नरोरा इसलिए बताना जरूरी है वेटिंग, क्योंकि इससे अचीवमेंट है ये हमारा कि हमारा वहां पे हुआ था। फिर पूछेगा क्या यस कारण है कि आपका क्यों नहीं हुआ, बोला सर शायद कोई तैयारी में कमी रह गई होगी मेरे, इस बार मैंने अच्छी तैयारी की है, इस तरीके से आपने यस बोलना है। और एक काम कीजिए, अभी आपका अच्छा था, मतलब पहला ही था आपका और अच्छा आपने फ्लो मेंटेन किया था, आप आंसर दे यस सर, पाए, और जो नहीं आंसर आया आपने साफ इनकार कर दिया, ब्लफ नहीं मारा। सबसे अच्छी बात है कि आपने ब्लफ किसी में नहीं मारा, और दूसरी अच्छी बात है कि फ्लो आपका मेंटेन्ड है, कॉन्फिडेंट आप हैं, मतलब नर्वसनेस में कोई नजर नहीं आई। अब सबसे अगर इंट्रो को आपको घुमाना है अपनी डायरेक्शन में, क्योंकि इंट्रोडक्शन का चांस वो देता है, इंट्रोडक्शन के लिए बोलता है,
तो आप एल एन सर टी, IOCL और PGC, ये तीन पे घुमा सकते हैं। तो मैं आपको यस एडवाइस सर करूंगा तीन चार चीजें करने को। एक कि आप एल एन टी में जो करते थे उसको लिखो पेज पे कि आपने सब एल एन टी में किया क्या है। फिर आप यस सर IOCL में क्या आपने प्रेजेंटेशन में क्या सीखा उसको भी लिखो। फिर PGC में आप क्या कर रहे हैं उसको भी आप लिखो। फिर इसको लिंक अच्छा करो IOCL की जॉब के साथ। अब यस सर IOCL सॉरी इसमें NPCL की जॉब के साथ जो साइंटिफिक असिस्टेंट का है, जो ओके स्टूडेंट सर का साइंटिफिक असिस्टेंट में सिलेक्शन हुई है NPCL में, जैसे पीछे रावत भाटा का हुआ था एंड ऑल, तो उन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा ये देखो कि वो क्या बोलते हैं, कि उनसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, चार क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, उन्होंने डिटेल में यस बताए सर हुए हैं। मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करता हूँ तो बताते हैं वो डिटेल में। तो यस सर एक तो आपने वो सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं, और दूसरा आपने क्या करना है कि इस ककरा पार का जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसकी वेबसाइट पे जाना है, और यस उसमें सर आपने कॉपी पेन लगा के उस पे डिटेल में लिखना है कि कौन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कौन है CMD साहब, कौन है, कितना पोटेंशियल है और कितनी यस सर प्लांट लोड वगैरह, और जो टेक्निकल टर्म्स है वो आपने थोड़ी सी देखनी है, यस और सर न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड जो चीजें हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, जैसे उसका आप प्रेशराइज करते हैं तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और वही बॉइलिंग टेम्परेचर, हाई बॉइलिंग टेम्परेचर पे जब आप वो स्टीम भेजते हो तो वो जो है टरबाइन के अंदर वो वर्क प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी जो टर्मिनोलॉजी से थोड़ी सी आइडिया जनरेट कर लो, क्योंकि पावर प्लांट है तो ये आपसे जनरिक अवेयरनेस का भी पूछता है। एक डॉक्यूमेंट यस सर UOPDA ने बना रखा है NPCIL का, उसको भी गो थ्रू करो आप। उस ओके सर डॉक्यूमेंट में आपको बेसिक चीजें मिल जाएंगी, ककरा पार आपको देखना पड़ेगा, और बाकी जो आपके जॉब एक्सपीरियंस है उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। यहीं पे इंटरव्यू आपका काफी घूमता रहेगा जॉब एक्सपीरियंस पे, जो मेरे को लगता है। यस सर यस सर एक ऐसा क्वेश्चन था कीजिए सर आप। हाँ जी, नहीं सर मैंने सर एलएनटी में जॉब करने के बाद सर ये इंडियन ऑयल से अप्रेंटिस किया सर, कोई इससे कोई इश्यू तो नहीं सर? आपने बता दिया LNT से आपका कॉन्ट्रेक्चुअल था, मैंने पूछ लिया वो थोड़ा यस सर तो आपने बताया कॉन्ट्रैक्ट है सब उसमें। यस सर और आपने कोविड का भी कुछ बता रहे थे, लेकिन बहुत क्लैरिटी नहीं था उसमें, कोविड का क्या बताने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसको यस सर क्लियर करो। अगर डाउट वो क्लैरिटी नहीं आएगा तो उसको समझ नहीं आएगी बात क्या बोलने की ट्राई कर रहे हो। तो कोविड का नाम ओके LNT की जॉब के साथ क्यों जोड़ा था आपने, मेरे को भी बहुत अच्छा समझ नहीं आई थी वो बात। क्लैरिटी करो ओके कि सर सब मैं LNT में जॉब कर रहा था लेकिन फिर कोविड आया तो फिर ले ऑफ हो गया, या उन्होंने कुछ कर दिए जो भी है। उसके बाद फिर मैं यस IOCL में, मैं पब्लिक सेक्टर तो ज्वाइन करना ही चाहता था तो IOCL में चला गया, फिर यस PGC सर में चला गया। तो क्यों, अच्छी बात है कि पब्लिक सेक्टर का ही एक्सपोजर है आपका, यस सर राइट? तो अकॉर्डिंगली आप करेंगे। अगर पूछ ले PGC नहीं जाना चाहोगे, IOCL नहीं जाना चाहोगे, तो बोलना कि सर जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है मैं तो उसी में जाऊंगा, और मेरे लिए तो पब्लिक सेक्टर इक्वली रेप्यूटेड है, राइट? यस ऐसा सर करो। ठीक है जगदीश, करिए इसको।